Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you people will be fine. Today we are going to start example 6.1 numerical example hai ye hamare paas. A girl carries a 10 kilogram bag upstairs to a height of 18 steps each centimeter. Each 20 centimeter high, calculate the amount of work she has done to carry the bag. एक लड़की जो है वो 10 किलोग्राम का बैग जो है वो उठाए सीढ़ियों पर चढ़ रही है और उस सीढ़ी के जो है वो 18 स्टेप्स हैं जो और हर स्टेप की हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है. हमें जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखें सोल्यूशन के अंदर जो है वो इसके अंदर गिवन डेटा क्या है हमारे पास. मैस ऑफ द बैग जो है वो हमारे पास यहाँ पे 10 किलोग्राम. वेट ऑफ द बैग जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. W इज इक्वल टू एम जी. मैस जो है वो हमारे पास 10 किलोग्राम है और जी की कीमत, ये जी जो है हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी कीमत होती है 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगा. अब हमें जो है वो यहाँ पर फोर्स जो है वो भी गिवन है, जिस तरह के यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वेट जो है वो बराबर किसके होता है फोर्स के, या फोर्स बराबर किसके होती है वेट के. तो वहाँ से अगर हमें वेट पता चल जाता है तो फोर्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू के अप्लाई करके. अब यहाँ पे फोर्स भी आ गई हमारे पास. हाइट जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर. अब इसको हम इसके एसआई यूनिट्स के अंदर लेके जाएंगे, जिस तरह के यहाँ पे देखें हम मैस का एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है. तो वेट का या फोर्स का यूनिट भी ये बिल्कुल सेम है, ये न्यूटन है, ये भी फोर्स भी न्यूटन के अंदर है. तो हमें क्या करना है इसको एसआई यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है पहले. तो यहाँ पर इसको हम सिंपली तौर पर ये डिवाइड कर देंगे 100 से 20 सेंटीमीटर को और ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर. अब टोटल स्टेप्स हमारे पास कितने थे 18. अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इसकी टोटल हाइट आ जाएगी. अब वर्क का फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा था, वो होता है हमारे पास एफ मल्टीप्लाई एस. अब यहाँ पे वहाँ पे एस क्या आता है हमारे पास, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट था. अगर उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो वो डिस्टेंस बनता है और यहाँ पे एच जो है ये भी हमारे पास डिस्टेंस है. तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारे पास वर्क. अब फोर्स की कीमत जो है वो हमें गिवन है वो 100 न्यूटन है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 और ये इसको इसे मल्टीप्लाई करने से 360 जाउल जो है ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा. उसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 6.2 एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बेसिकली ये साइंस के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बुनियादी कॉन्सेप्ट एनर्जी का है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. अब फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कोई भी आदमी या कोई भी बॉडी जो है, अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर एनर्जी है तो डेफिनेटली हम ये बात समझ जाएंगे कि इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क. तो इसके अंदर काम करने की सलाहियत है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रनिंग वाटर प्रोसेसेस एनर्जी. अब कोई वाटर जो है, ये पानी जो है ये रन कर रहा है अगर, तो इसके अंदर क्या है? एनर्जी है. अब इसके अंदर एनर्जी जो है वो किस टाइप की है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सिंपली तौर पर सर जस्ट अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की. अब यही एनर्जी को हम फिर यूज़ कर लेते हैं वाटर मिल्स को रन करने के लिए या फिर टर्बाइनों को रन करने के लिए हम एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं. मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास. अब एनर्जी जो है यही एनर्जी जो है ये हमारे पास बहुत एग्जाम की हो सकती है. जैसे कि मैं कहता हूँ मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है हमारे पास, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह. तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. ए बॉडी पोसेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क. एक बॉडी जो है वो एनर्जी रखती है, रखेगी अगर उसके अंदर काम करने की सलाहियत है. तो यहाँ पर ये इसकी सिंपली तौर पर इसकी डेफिनेशन आ गई. तो
तो यहाँ पे देखें, मैकेनिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी की दो टाइप्स हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कोई मूविंग बॉडी है तो उसके किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है और उसका कोई ना कोई मास है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो हवा जब मूव कर रही है डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मास भी होगा, किसी ना किसी वेलोसिटी से भी वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है। अब इस एनर्जी को जो है वो हम डिफरेंट तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इन विंड को, विंड एनर्जी को मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इट ड्राइव्स द विंड मिल्स। इससे हम विंड मिल्स को ड्राइव जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। पुशेस सेलिंग बोर्ड्स, ये सेलिंग बोर्ड्स को जो है वो हम पुश कर सकते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया यहाँ पे। तो बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अगर कोई बॉडी की एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से है तो उसको हम सिंपली तौर पर काइनेटिक एनर्जी का नाम दे देंगे। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट करें मैं कहता हूँ एक बॉडी जो है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। द बॉडी स्टॉप्स थ्रू सम डिस्टेंस। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ एक गाड़ी जो है वो इनिशियली तौर पर उसने जो है वो अपनी मोशन स्टार्ट की है किसी वेलोसिटी v के साथ। आफ्टर टाइम t जो है वो अपनी नई पोजीशन पर आ जाती है। तो हम कहेंगे, हम चेक करना चाहते हैं कि इसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो है वो कितना वर्क किया है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका डिस्टेंस जो है वो उसने कोई ना कोई कवर किया होगा। तो फर्स्ट करें अभी हमने लास्ट टाइम जो है वो वर्क का फार्मूला पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वर्क डन बाई इट ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी ये हमारे पास एफ एस। यही काइनेटिक, यही वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी की सूरत में अपीयर हो। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ कोई भी गाड़ी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी को हम नाम दे लेते हैं वी। अब जब वो अपनी फाइनल वेलोसिटी पे पहुँच जाती है तो वो गाड़ी फर्ज करें मैं कहता हूँ स्टॉप हो जाती है। तो जैसे ही उसकी मोशन स्टॉप हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता है, और वो एक्सीलरेशन जो है वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे डेफिनेटली अगर गाड़ी ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की गई है। अब फोर्स का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन ए की कीमत निकाल लेंगे, ये एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि जैसे ही गाड़ी ने स्टॉप हुई इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसको हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम दिया हुआ है या फिर रिटार्डेशन का नाम दिया हुआ है, वो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करनी है, जो कि हमने यूनिट नंबर टू के अंदर पढ़ रखी है। तो वो होती है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे थी ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास थी वी, तो ये v का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये a की जगह पे हम जो है वो a की कीमत पुट कर देंगे, माइनस f डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई आ जाएगा s। अब यहाँ से सिंपली तौर पर हमने क्या किया है, इस m, ये इधर m डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला माइनस जो है ये इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो
क्योंकि जीरो का स्क्वायर जो होता है वो जीरो ही होगा, वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3.6 एंड 3.4 वी गेट, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3.6.3 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6.4 है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये वाली साइड इस साइड की जो है, ये दोनों साइडें जो है ये इक्वल है। ये एफ एस की कीमत यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये सिंपली तौर पर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा के ई इज इक्वल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की, ये आप एग्जाम्पल खुद ट्राई कीजिएगा। ए स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यहाँ पे यही वर्क डन का फार्मूला आप यूज करके ये आपने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करनी है, सार डाटा जो है यहाँ पे गिवन है। उसके बाद बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एन एप्पल ऑन अ ट्री इज कैपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल। एक दरख्त के ऊपर कोई एप्पल जो है वो लटका हुआ है, जैसे ही वो गिरता है नीचे तो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही जो है वो मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसने कुछ ना कुछ वर्क किया। अब वही वर्क जो है वो इसका पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा उसको। द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी प्रोसेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। ये वाली डेफिनेशन कर लें आप या फिर ये वाली कर लें, बात एक ही है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे कि मैं कहता हूँ हैमर रेस्ट, स्ट्रेच बोब, बहुत प्रोसेसिस पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो है वो इसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फार्मूले की, इसका ड्राइव करते हैं फार्मूला। तो फर्स्ट करते हैं हम, लेट अस अ बॉडी ऑफ मास एम बी रेस्ड अप थ्रू अ हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट से हमने किसी भी हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास जो है वो हमारे पास एम है। अब हमने पता है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर वही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो एज इट इज ही आ जाएगी और यहाँ पे एस की जगह पे हम एच यूज करेंगे क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, वो भी हमारे पास डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। और फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू होती है हमारे पास वेट। वेट जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है और ये इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा वेट के, और वेट हमने पढ़ा है वेट इज इक्वल टू होता है एम जी के बराबर। तो यहाँ पे इसकी सिंपली तौर पर इसकी वैल्यूज जो है वो हम इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। डब्ल्यू की जगह पे एम जी पुट कर दिया, एच एस ई टी सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब बात करते हैं इसके एस आई यूनिट्स की। एस आई यूनिट्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एनर्जी हैं, एनर्जीज हैं। तो एनर्जीज का यूनिट, जहाँ भी एनर्जी का लफ्ज आएगा उसका यूनिट जो है वो जाउल होगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास ए बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज रेस्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक मास जिसका, एक बॉडी है जिसका मास 50 किलोग्राम है और उसको 3 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये मास हमारे पास गिवन है, हाइट गिवन है, जी की कीमत हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कीमतें इसके अंदर इंसर्ट करके इसको सिंपली तौर पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 1500 जूल। और ये एग्जांपल नंबर आ जाती है 6.4, ये भी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।